हेलो गाइस, आप देख रहे हैं बीएस रिव्यू। तो भाई साहब सनी पाजी इस बार कोई भी रिकॉर्ड छोड़ने वाले नहीं है, क्योंकि आज गदर 2 मूवी का डे 43 है, यानी कि सेवंथ फ्राइडे है। और इस मूवी के सेवंथ फ्राइडे के बॉक्स ऑफिस कलेक्शन के जो अर्ली एस्टिमेट्स हैं वो निकल कर आ चुके हैं। और उसके साथ साथ मैंने आप सभी को बताया था कि इस मूवी के कलेक्शन के साथ छेड़छाड़ की गई है, तो दोस्तों अब वो भी अपडेटेड कलेक्शन आ चुका है, जिसके बाद ये बात साफ हो चुकी है कि इस मूवी के कलेक्शन के साथ छेड़छाड़ हुई है। तो दोस्तों क्या अर्ली एस्टिमेट हैं इस मूवी के पास, कितने ज्यादा शोज हैं, फुल डिटेल देने वाला हूं। लेकिन उससे पहले छोटी सी रिक्वेस्ट, वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को भी दबा दें, ताकि आप ऐसे अपडेटेड वीडियोस को देख सके। तो भाई साहब, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि मैंने आप सभी को बताया था कि गदर 2 मूवी का जो डे 40 का कलेक्शन है वो ज्यादा है, लेकिन बहुत सारी जो वेबसाइट थी उन्होंने 35 लाख बताया था। तो मैंने आप सभी को बोला था कि इस मूवी ने लगभग 70 लाख तक का बॉक्स ऑफिस कलेक्शन किया। तो बहुत सारे लोगों ने बोला था कि भाई साहब तो इस मूवी को सपोर्ट कर रहा है, इसलिए इस मूवी का ज्यादा लेकिन बताया। तो दोस्तों आज एक चीज साफ हो चुकी है, जो मैंने बात कही थी वो 110% सच हुई है, क्योंकि इस मूवी का जो डे 40 का ऑफिशियल कलेक्शन है वो 60 लाख, यानी कि 60 लाख का इस मूवी ने डे 40 के ऊपर बॉक्स ऑफिस कलेक्शन किया था। और डे 41 का जो इस मूवी का कलेक्शन बताया जा रहा था वो भी लगभग 35 लाख था। तो दोस्तों अब उसका भी जो अपडेटेड कलेक्शन आया है वो 45 लाख, यस गाइस, यानी कि अब एक चीज साफ हो चुकी है कि इस मूवी ने 42 डेज में पूरे इंडिया से 522 करोड़ का बॉक्स ऑफिस कलेक्शन कर लिया, यानी कि 522 करोड़ इस मूवी ने कमा ली। और वहीं बात करें इस मूवी के डे 43 यानी कि आज की, तो भाई साहब आज इस मूवी के जो शोज हुए हैं वो इस मूवी के पास है लिमिटेड, लेकिन बहुत तगड़े हुए हैं, यानी कि मुंबई में 11% ऑक्युपेंसी आई, और इस मूवी के पास 46 शोज है। दिल्ली NCR में इस मूवी की 17% ऑक्युपेंसी आई है, और आज इस मूवी के पास 78 शोज है। यस गाइस, पहले 100 से ज्यादा थे, लेकिन आज इस मूवी के पास 78 शोज है दिल्ली NCR में। और वहीं पुणे में 12% ऑक्युपेंसी आई है, और इस मूवी के 9 शोज हैं। बेंगलुरु में 11% ऑक्युपेंसी आई है, 5 शोज हैं। हैदराबाद में 20% ऑक्युपेंसी आई है, 8 शोज हैं। कोलकाता में 12% ऑक्युपेंसी आई है, 1 शोज है। यस गाइस, अहमदाबाद में 5% ऑक्युपेंसी आई है, 33 शोज हैं। सूरत में 13% ऑक्युपेंसी आई है, 12 शोज हैं। जयपुर में 16% ऑक्युपेंसी आई है, 23 शोज हैं। चंडीगढ़ में 11% ऑक्युपेंसी आई है, 4 शोज हैं। भोपाल में 14% ऑक्युपेंसी आई है, 8 शोज हैं। लखनऊ में 13% ऑक्युपेंसी आई है, और 16 शोज हैं। यस गाइस, यानी कि इस मूवी के शोज बहुत ज़्यादा कम हुए, लेकिन इस मूवी के जो ऑक्युपेंसी आ रही है शोज की वो काफ़ी ज़्यादा तगड़ी है। यस गाइस, पूरे इंडिया से जो मॉर्निंग शोज की ऑक्युपेंसी आई है वो लगभग 9% है, आफ्टरनून शोज की जो ऑक्युपेंसी आई है वो 16% है। यस गाइस, यानी कि आफ्टरनून शोज में काफी बड़े लेवल पर जंप देखा गया, और इस मूवी की जो ओवरऑल पूरे इंडिया से अभी तक ऑक्युपेंसी आई है वो 13% है। यस गाइस, यानी कि पूरे इंडिया से आज अभी तक इस मूवी की जो ऑक्युपेंसी आई है वो 13% है, और इस मूवी के जो डे 43 के बॉक्स ऑफिस कलेक्शन के अर्ली एस्टिमेट्स आ रहे हैं वो 25 लाख हैं। यस गाइस, यानी कि ये मूवी आज 25 लाख का बॉक्स ऑफिस कलेक्शन करते हुए दिखाई दे रही है, और ये जो कलेक्शन है इस मूवी के लिए बहुत ज्यादा तगड़ा है, क्योंकि भाई साहब इस मूवी के पास अब लिमिटेड शोज रह गए हैं, क्योंकि शोज की जो डिटेल मैंने आप सभी को बता दिया। तो दोस्तों इस तरह कल का और परसों का दिन इस मूवी के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होगा, उससे पता चलेगा कि ये मूवी कहां तक जाने वाली। तो दोस्तों आपको क्या लगता है कि क्या ये मूवी अब पठान मूवी का कलेक्शन का जो रिकॉर्ड है वो ब्रेक कर पाएगी या नहीं, क्योंकि इस मूवी के लिए सबसे बड़ा यही क्वेश्चन है। तो दोस्तों हमें कमेंट जरूर बताइएगा, वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को भी दबा दें, ताकि आप ऐसे अपडेटेड वीडियोस को देख सकें।